गाइस फाइनली इंडिया में यार Redmi Note 10 Pro और Max के लिए एक और न्यू अपडेट जो वो रिलीज़ कर दिया है और ये लेटेस्ट अपडेट है और ये यहाँ पर MI पायलट टेस्टर्स के लिए रिलीज़ किया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन निकल कर यहाँ पर आया 13.0.9.0 है और इस अपडेट के अगर मैं साइज़ की बात करूँ जो कि भाई इंडिया में ही आपको मिला है 267 MB के आसपास इसका जो साइज़ है वो मिलता है। और इस वीडियो में आप इसका फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपने डिवाइस में इसको जो है इंस्टॉल कर लिया है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं 13.0.9.0 है जो कि काफी बढ़िया अपडेट है। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई चैनल पर, अगर पहली बार इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे भी Redmi Note 10 Pro और Max रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए गाइस देखते हैं कि भाई इस अपडेट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। अगर इस अपडेट की मैं बात करूं तो भाई आप यहां से देख सकते हैं इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 13.0.9.0 ये इंडिया में यहां पर आज की डेट में रिलीज किया गया है। और इसके अगर मैं सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो भाई इस अपडेट में आपको दिसंबर 2022 का जो सिक्योरिटी पैच है वो मिल जाता है। आई होप यार यहां पर शाओमी जनवरी का भी दे सकता था क्योंकि जनवरी तो स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल यहां पर आपको दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलता है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो भाई एंड्रॉइड 12 के साथ ही ये अपडेट यहां पर आया है। अभी एंड्रॉइड 13 नहीं आया लेकिन काफी जल्द एंड्रॉइड 13 भी यहां पर आपको मिलेगा। तो ये अपडेट जो है वो आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलता है जो कि काफी सही अपडेट है। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर इसके विजिट्स के बारे में तो भाई विजिट्स का जो फीचर्स हैं वो आपको सेम एज मिलते हैं। यहां पर कोई भी आपको इंप्रूवमेंट वगैरह तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं भाई इसके अपडेट्स के बारे में तो गैलरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको एडिट करते हैं तो एडिटेशन में काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं लेयर्स वगैरह वो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो अभी आप देखेंगे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। और प्लस अगर आप एआई में जाएंगे और इरेज में जाएंगे तो यहाँ पर ये भी चीज़ें डाउनलोड करना होंगी। डाउनलोड करने के बाद ही ये सारे जो फीचर्स हैं वो इनेबल होंगे। तो ये सारी रिमोट पीपल है और लाइन्स वगैरह के जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी यहाँ पर बात करें कि भैया इस अपडेट में क्या हमारे फ़ोन का फ्रंट कैमरा काम कर रहा है या नहीं। तो कैमरा हम ओपन कर लेते हैं। अभी मैंने इसकी जो है कोई भी चीज़ चेक नहीं की, जस्ट अपडेट ही किया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं वीडियो भी शिफ्ट करता हूँ तो भी सही से काम कर रहा है। लैग वगैरह तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत कम हो गया है, काफ़ी ठीक ठाक सा अपडेट लग रहा है। लेकिन अगर आप फ्रंट कैमरा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो चुका है, यू कैन सी, और सही तरीके से काम भी कर रहा है। अगर मैं वीडियो पे शिफ्ट करता हूँ तो भाई वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सही है भाई फ्रंट कैमरा इस अपडेट में भी यहाँ पर काम कर रहा है। लैग वगैरह जो है वो भी अभी मुझे देखने को नहीं लग रहा है। और उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ कि भैया इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो कैसी है तो परफॉर्मेंस मुझे ठीक लग रही है। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस डाउन है, परफॉर्मेंस काफ़ी मुझे बेटर सी लग रही है। उसके बाद अभी इसका जो फुल फीचर रिव्यू है वो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा जिसमें आपको थ्रॉटल टेस्ट है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये फर्स्ट लुक है जो कि काफी आउटस्टैंडिंग टाइप का यहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो भाई कर भी सकते हैं। यहां पर आप रीनेम वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं, फुल रोम जो है वो डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप इसको फ्लैश भी यहां से कर सकते हैं जो कि काफी सही चीज है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं यहां पर कंट्रोल सेंटर की तो कंट्रोल सेंटर का जो बिलर वगैरह वो सही से काम कर रहा है, कोई भी इशू या फिर कोई भी एरर वगैरह जो है वो देखने को नहीं लग रहा है, काफी सही है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको हो सकता है कि एक नया अपडेट भी और देखने को मिले। तो फिलहाल अभी नवंबर जो गूगल का अपडेट है वो चल रहा है तो फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि यहां पर कोई नया अपडेट आ गया हो क्योंकि जो अपडेट आएगा वो दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ आएगा क्योंकि ये जो अपडेट्स हैं वो गूगल की तरफ से आते हैं। फिलहाल यहां पर ये अभी फाइंड नहीं कर पा रहा है, फिर देखेंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई अपडेट यहां पर नहीं दिख रहा, तो आई थिंक जल्द ही यहां पर एक अपडेट आएगा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर देखते हैं कुछ टाइम वगैरह बढ़ा तो भैया यहां पर 10 सेकंड का ही टाइमर है। शाओमी ने बोला है कि भैया हम तुम्हें टाइम बढ़ाने का फीचर नहीं देंगे, आप 10 सेकंड से ही सेटिस्फाई यहां पर रहने वाले हो। और ये ऑफिशियल जो कंट्रोल सेंटर आई थिंक मुझे लगता है कि ऑफिशियल ही है क्योंकि यहां पर मैं ऑलरेडी पहले भी इसको यूज कर रहा था। और यहां पर आप देखेंगे स्मार्ट होम में ईस्टर एज प्लस यहां पर आपको होम का और प्लस यहां पर आपको MI होम का भी फीचर मिल रहा है जो कि काफी सही चीज है। तो भैया आप इसको भी यहां से पेयर कर सकते हैं जो मुझे काफी बढ़िया लगा, आउटस्टैंडिंग टाइप का फीचर है। तो भैया ये चीज भी यहां पर Xiaomi ने प्रोवाइड कर दी है जो कि भाई काफी सही चीज है और आपको इस अपडेट में यहां पर डेफिनेटली मिलती है। और यहां पर एक और न्यू फीचर भाई यहां पर ऐड हो चुका, अभी आप देखेंगे स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन सर्च। तो यार ये काफी अच्छा फीचर है भैया, ये तो मुझे काफी बढ़िया लगा। ये भी नया फीचर यहां पर आया हुआ है, देख सकते हैं काफी बढ़िया फीचर है। और ये इस अपडेट में भैया ये चीज भी Xiaomi ने यहां पर ऐड कर दी। फिलहाल पहले ये चीज मुझे नहीं दिख रही थी बट इस अपडेट में यार ये वाली भी चीज यहां पर आ चुकी है। तो यार काफी बढ़िया लुक है और सही तरीके से ये चीज मुझे दिख भी रही है। तो आप फास्ट वगैरह ये जो ऑलरेडी यहां पर जो है ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो ये भी काफी अच्छा है। और उसके साथ अगर मैं प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन की बात करूं तो ओल्ड वाला लेआउट मिलता है, इसमें जाएंगे आप इमरजेंसी एंड सेफ्टी में तो यहाँ पर भी इसका जो लेआउट है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और नई चीज़ आ चुकी है, आप देखेंगे प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का जो लेआउट है वो Xiaomi ने यहाँ पर MIUI 14 वाला दे दिया जो कि काफ़ी सही है।
मस्त चीज़ लगी यार मुझे यार यहाँ पर, ये जो चीज़ है मैं एक्सेप्ट कर रहा था मतलब शायद Xiaomi दे, लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने ये चीज़ भी आपको दे दी है। तो भाई इसका जो नया वाला लुक है वो आ चुका है प्रोडक्शन वाला, जो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई इस अपडेट में ये भी आपको मिलता है, उसके बाद ही हम देखेंगे यहाँ पर कूल वाला फीचर, देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल हॉट कूल वाला भी फीचर आ चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया फीचर लगा, 100 मोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और दैन उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेशल फीचर्स की, तो साइड बार वगैरह सही तरीके से काम कर रहा है, कोई भी एयर कोई भी इशू नहीं है। डिजिटल वेल्विंग का जो ऑलरेडी यहाँ पर बोल्ड किया हुआ था वो भी काफ़ी सही है। तो भाई काफ़ी बढ़िया अपडेट है, और इसका फुल फीचर रिव्यू जो है वो आपको चैनल पर काफ़ी जल्द मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। इसलिए अगर चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट और वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलता हूँ स्टूडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।